चार दिन का रिलीफ, फिर वही अजाब, बिजली चली गई, बिजली आ गई की कहानी, बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, आधा शहर बिजली से महरूम हो गया। एक घंटे के बाद एक घंटे की लोड शेडिंग का अजियतनाक सिलसिला फिर से शुरू। इस्लामपुरा, गुलशन रावी, सब्जाजार, इकबाल टाउन, मुगलपुरा, धर्मपुरा, शादरा और शादबाग समेत बेशतर इलाके 8 घंटे से बिजली से महरूम। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर, कई इलाकों में पानी की किल्लत का सामना। सर्दी और धुंध में लेस्को का सिस्टम जैम, लाहौर के 550 से जायद फीडर्स बंद। गुद्दू, बल्लोकी और बिक्की पावर प्लांट से बिजली की पैदावार में कमी, लेस्को का कोटा भी आधा रह गया। शहर में 2000 मेगावाट बिजली की तलब जबकि 1000 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी। नहरों, बिक्की और बल्लोकी पावर प्लांट की बंदिश के बायस बिजली की पैदावार कम हुई, लेस्को हुक्म। शहर में कड़ाके की सर्दी, यकबख्ता हवाएं, सुबह के औकात में धुंध का भी राज, बादलों और सूरज की आंख मचोली से ठंड मजीद बढ़ने लगी। दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ गया। महकमा मौसमियात ने बारान रहमत की नवीद सुना दी, रवामा बारिशों के 3 से 4 स्पेल होंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात। फजाई और जमीनी रास्ते धुंध में गुम, फ्लाइट ऑपरेशन 6 घंटे बंद रहने के बाद बहाल, 13 परवाजें उड़ान न भर सकी, 13 परवाजों की रवानगी में घंटों ताखीर। लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें भी ताखीर का शिकार, रात से बंद मोटरवे 12 घंटे बाद सुबह 11 बजे खोल दी गई, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गैस प्रेशर में कमी, चूल्हे ठंडे पड़ गए, एलपीजी माफिया की चांदी, 120 रुपए किलो फरोख्त होने वाली एलपीजी 185 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों के इंतजामिया पर शिकायत के अंबार, मतबादल ईंधन, लकड़ी और कोयले की मांग भी बढ़ गई, लकड़ी 800 रुपए फी मन और कोयला 70 रुपए किलो फरोख्त। फिश मार्केट और अंदरून शहर से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने की तैयारी, अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत तजावुजात से मुतालिक कायम करदा खसूसी कमेटी का इजलास। तजावुजात के खिलाफ मौजूदा हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी, सरकारी अराजी पर 1 इंच का कब्जा भी बर्दाश्त नहीं होगा, सीनियर वजीर की गुफ्तगू। एहतसाब हर सूरत होगा, ब्लैकमेल नहीं होंगे, हमारा कसूर नहीं, करप्शन की गाजरें खाने वालों का इलाज हो रहा है, सूबाई वजीर फयासुल हसन चौहान की फिर मुखालफीन पर लफ्जी गोलाबारी, बोले 10 साल करप्शन की बारात मुफाहमत की ट्रेन पर सवार रही, 2018 के इलेक्शन ने मुफाहमत की ट्रेन रोक दी, कोई तब्दीली नहीं आ रही, ऑपोजिशन को इसी तनख्वाह पर काम करना पड़ेगा। अलहमरा में फनकारों में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खताब, सूबाई वजीर के खताब के दौरान भी बिजली गायब। कोई किसी की हुकूमत नहीं गिरा रहा, अगले 5 सालों में पंजाब की पूरी आबादी को साफ पानी मिलेगा, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दावा, बोले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तो जेल में भी साफ पानी मिल रहा है। रवां साल तमाम यूनिवर्सिटियां सोलर सिस्टम पर करने का भी ऐलान, किसी यूनिवर्सिटी में सिफारशी वाइस चांसलर नहीं लगेगा, चौधरी सरवर का तकरीब से खिताब। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मकबूल अहमद ब्लॉक का संग बुनियाद रख दिया। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकात, गवर्नर पंजाब से सासी अमूर पर तबादला ख्याल, जनूबी पंजाब के लिए लहदा सेक्रेटेरिएट अगले साल अमल में आएगा, तरक्याती प्रोग्राम भी अलग होगा, वजीर आला पंजाब की गुफ्तगू। विफाक के बाद पंजाब में भी यू टर्न, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर बड़े ब्रेक थ्रू का भी इम्कान, हुकूमत हमजा शहबाज को चेयरमैनशिप देने पर राजी, चेयरमैनशिप के बदले कायमा कमेटियों की तश्कील और कानून साजी में मुआवनत मांगने का फैसला, सूबाई वजीर कानून राजा बशारत को पीटीआई कायदत से ग्रीन सिग्नल मिल गया, असम्बली के इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुजाकरात का इम्कान। खोखर बरादरान की एंटी करप्शन में तलबी, खोखर बरादरान में से सिर्फ सैफ खोखर एंटी करप्शन दफ्तर में पेश, जमीनों का रिकॉर्ड जमा करवाया गया, सैफ खोखर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में भी पेश, डीजी एंटी करप्शन पंजाब हुसैन असफर का दफ्तर का पहला दौरा, अफसरान से मुलाकात।
एलडीए एवेन्यू वन स्कीम में भी गैर कानूनी तामीरात, 64 कनाल 15 मरले पर 11 बंगलों के नक्शों की गैर कानूनी मंजूरी का इंकशाफ, एलडीए का तहकीकात के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को मुरासला। फूड अथॉरिटी की पाबंदी नजरअंदाज, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर खुले मसालों की फरोख जारी, कैंट जौहर टाउन के स्टोर्स पर धड़ल्ले से खुले मसालों की फरोख, खुलेआम मसालों की फरोख से कीमतें बढ़ गईं, महंगाई के मारे शहरियों के लिए नया अजाब, पैकिंग वाले मसालों की कीमतों में इजाफा होने पर शहरी बरहम। खुले मिर्च मसालों पर पाबंदी, पंजाब भर में क्रैक डाउन, हजारों किलो मिलावटी मसाला जात जब्त, लाहौर जोन में 141 मकामात की चेकिंग, मिलावट का नासूर खत्म करने के लिए सख्त से सख्त फैसले करना होंगे डीजी फूड अथॉरिटी। जिला इंतजामिया का गोंदल चौक, चंदरी रोड और ठोकर न्याज बेग के इतराफ में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, पुख्ता स्ट्रक्चर, थड़े और शेड्स मिसमार, चाइना स्कीम, गुजरपुरा में भी कार्रवाई, 4 करोड़ रुपए मालियत की 35 मरला राजी वागुजार करा ली, पुख्ता तामीरात मिसमार, 1 केनाल 10 मरले और 5 मरले के प्लॉट से कब्जा खत्म। मारूफ आलमी दीन मौलाना तारिक जमील निजी अस्पताल में जेरे इलाज, तबीयत बेहतर करार, मौलाना तारिक जमील को गुज़श्ता रोज एंजियोप्लास्टी के दौरान स्टेंट डाला गया था, आज अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। छुट्टी के बावजूद निजी स्कूल खोलने का मामला, महकमा तालीम इन एक्शन, अहकामात ना मानने पर प्राइवेट स्कूलों को जुर्माने और शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का अपने अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया, स्कूल्स खुलने पर मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। देही और बुनियादी मराकज़ सेहत में कम्युनिटी सतह पर प्राइमरी हेल्थ खिदमात के इस्तेहकाम का फैसला, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेरे सदारत इजलास, बड़े हस्पतालों की क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीमें देही मराकज़ सेहत का दौरा करेंगी, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। पंजाब पुलिस की वर्दी कैसी होगी, मामला फिर 6 माह के लिए लटक गया, नई वर्दी के लिए डीआईजी जुल्फकार हमीद की सरबराही में कमेटी तश्कील, पुरानी वर्दी बहाल ना करने का फैसला, नई वर्दी में नीले रंग को शामिल करने की सिफारिश। हाई कोर्ट में जजेस की 12 आसामियां खाली, फैसलों में ताखीर से वकला और साहिलीन परेशान, जेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 1,65,000 तक पहुंच गई, मुकदमात की समाअत के लिए सिर्फ 48 जजेस मौजूद। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान के खिताब के दौरान तारिक नामी शहरी की पुलिस के खिलाफ शिकायत, पुलिस अहलकार धमकियां दे रहे हैं, इंसाफ ना मिला तो खुद सोजी कर लूंगा, मुतासरा शख्स की गुफ्तगू, सूबाई वजीर मुतासरा शख्स की दाद रसी की बजाय चलते बने, मुतासरा शख्स मुंह तकता रह गया। और भारतीय शहरी माली शासन की लाहौर के निजी अस्पताल में कामयाब बैट्रियाटिक सर्जरी, 37 साल माली शासन की पहली सर्जरी भारत में हुई जो नाकाम रही, डॉक्टर मुआज ने खातून की दोबारा कामयाब सर्जरी की, खातून का वजन 150 किलोग्राम है जो कम होकर 80 किलो रह जाएगा, भारत में सर्जरी से सिर्फ 15 किलो वजन कम हुआ।